एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म भी सीड के अंदर पाया जाता है। यह सीड के अंदर भोजन की पूर्ति को, भोजन की पूर्ति करता है। सीड को कहाँ से भोजन मिलेगा उसका उसका पूरा मैनेजमेंट या उसकी सहायता पूरा ही एंडोस्पर्म के द्वारा होती है। यह एक सीड के अंदर पाया जाता है। ये सीड कोट होता है जो सीड को बाहरी संरचना को, सीड की बाहरी संरचना को कवर करता है, और यही सीड को बाहरी प्रॉब्लम के, बाहरी मौसम की उससे बचाता है, हर तरह से सीड को प्रोटेक्ट करता है। सीड कोट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर सीड कोट सही नहीं होगा तो सीड पहले ही इफेक्ट हो जाएगा, एंड जनरेशन से पहले इफेक्ट हो जाएगा तो उसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सीड कोट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कभी कभी सीड कोट को तोड़ने के लिए भी सीड डोरमेंसी बताएंगे, उसको तोड़ने की सीड डोरमेंस की होती है, तो वही सीड कोट को तोड़ने के लिए सीड डोरमेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे मैकेनिकल रासायनिक बहुत सारे घटक होते हैं जो भी आपको बताया गया है। तो अपन ने अभी बीज के बारे में तीन पार्ट तो बना होता है। पहला होता है एंड भ्रूण, भ्रूण को